What? तिवारी जी तुम्हें चरित्रवान लगते हैं? Of course. Excuse me. तुम मुझे चरित्रवान समझो या ना समझो, I don't care. लेकिन तुम तिवारी जी से घटिया लीचड़ आदमी को चरित्रवान कह रही हो? Oh, come on. अगर तुमने उन्हें चरित्रवान कहा ना, मैं अपना सर फोड़ लूंगा या इस घर से भाग जाऊंगा. तुम अपना सर फोड़ दो या घर से भाग जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं. तिवारी जी चरित्रवान हैं. चरित्रवान शब्द का अपमान है वो. तिवारी जी चरित्रवान हैं हैं हैं. वो चरित्रवान नहीं, वो चरित्र अपमान है, वो शैतान है. क्या हो गया इन औरतों के यार? तिवारी जी को चरित्रवान बोल रही है यार. तिवारी जी को कैन यू बिलीव दिस? आदाब हुजूर. ये आप क्यों रही मुझे? एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका आदाब करने का, और आप आई क्यों यहाँ पे? यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा सलाम करती चल. देखिए देखिए मेरी बात सुनिए. आप देखिए, आप गलत टाइम पे आई हैं. मेरी बीवी वैसे ही मेरे करेक्टर पे शक कर रही है. अगर उसने आपको यहाँ देख लिया ना, तो मेरे करेक्टर का जनाजा निकाल देगी वो. प्लीज जाइए आप यहाँ से. जनाब ये कलयुग है और यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का कोई करेक्टर नहीं है, तो आपकी तो क्या बिसात है. प्लीज जाइए. देखिए ठीक है, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. चलिए. गुलफाम कर लीजिए. सुनिए सुनिए सुनिए, गुलफाम कर लीजिए. ए लौंडे, एक चाय पिला, मलाई मार के पैसे कर लीजियो. छुट्टे नहीं है अभी. कितने का छुट्टा चाहिए भैया आपको? मुझसे मांगिए ना, मेरे पास है. बताइए कितने का नोट है? बहुत बड़ा नोट है, आपके पास छुट्टे नहीं होंगे उसके. अरे कितना बड़ा नोट है भैया? 10,000 का नोट है. सक्सेना जी, इज्जत से अपनी खटिया उठाइए और निकल लीजिए, वरना मैं आपकी खटिया ही तोड़ दूंगा, समझे ना. अरे भैया सीधे सीधे क्यों नहीं कहते आपके, आपकी जेब में एक ढेला भी नहीं है. क्यों दिखाते हैं आप ये झूठी शान, बताइए. पूरी दुनिया को पता है कि आप एक नंबर के निकम्मे नाकारा नल्ले इंसान हैं, फिर क्यों करते हैं ढकोसला? I like it. भैया सुबह से मुझे चाटा खाने का बहुत मन कर रहा था. Now I am fully energized. Fully. I like it. काहे इस पगलेट के मुंह लगते हैं हमेशा? हम कहाँ लगते हैं मुंह, ये आगे लग जाता है हमसे मुंह. अच्छा तिवारी जी, आज अनु और मेरे बीच में एक बहस छिड़ी हुई थी आपको लेके. हमको लेके? जी. कैसी बहस? मुद्दा ये था कि अनु कह रही थी कि आप इस मोहल्ले के सबसे बड़े चरित्रवान आदमी हैं. क्या बात कर रहे हैं, भाभी जी हमें मोहल्ले का सबसे बड़ा चरित्रवान मानती है? जब उसका दिमाग फिर जाता है ना, ऐसी बेतुकी बातें करती है. ज्यादा बकवास मत कीजिए, हमें पता है कि भाभी जी ने पूरे होशो हवास में ये बात कही होगी. और वैसे भी सिर्फ भाभी जी नहीं, अंगूरी भी मानती है कि हम इस मोहल्ले के सबसे बड़े चरित्रवान हैं. अरे वाह तिवारी जी, फिर एक काम कीजिए ना, आप माथे पे लिखवा लीजिए कि आप इस मोहल्ले के सबसे बड़े चरित्रवान. हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, हमारे मस्तक का तेज ही बता देता है कि हम इस मोहल्ले के सबसे बड़े चरित्रवान से भी चरित्रवान हैं. ओह, दोनों छिछोरे एक साथ. ऐसा है प्रेम जी, जो कहना है ना अपने दोस्त से कहिए, हमें नहीं. अच्छा ठीक है भाई, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ. अच्छा विभूति, सुनना, आज शाम को मेरे घर में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आ रहे हैं. मैं तो कहता हूँ तू भी शाम को आ जा, तेरा भी जुगाड़ फिट कर दूंगा. हाँ, फिर तू करोड़ों में खेलेगा, करोड़ों में. अरे यार बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं. अरे यार प्रेम, मेरा पत्ता भी फिट कर देना यार प्लीज. सुने प्रेम जी, हम भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, क्या इस बिजनेस पार्टी में हम भी आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आ रहे हैं और आपका एक छोटा सा खोखा है कच्चे बनियान का, सो आप बड़े मिसफिट लगेंगे वहाँ पे. आई एम सॉरी. ज्यादा बकवास मत कीजिए. अरे विभूति, आने देना इसको भी. ओ कच्चे बनियान, तू भी आ जाना. मैं तेरी भी लाइफ सेट कर दूंगा. हाँ ठीक है प्रेम जी, धन्यवाद, शाम को मिलते हैं पार्टी में. पक्का. चरित्रवान तिवारी जी, आज आइए तो सही शाम को, मैं आपके चरित्र का ऐसा चीर हरण करूंगा कि आप भी याद रखें. नमस्कार प्रेम जी.
आजा आजा कच्चे बनियान, तेरा स्वागत है, चल बैठ जा। अरे यार आप तो स्वागत भी बड़ी बदतमीजी से करते हैं। वो क्या है ना, हम खानदानी बदतमीज है। लोगों का तो ये भी कहना है कि हमारे रगों में खून की जगह बदतमीजी बहती है। हाँ वो तो दिख रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी ना है। अच्छा एक बात बताइए, वो कुछ बिजनेस टाइकून आने वाले थे, वो सब तो नजर नहीं आ रहे हैं। वो बिजनेस टाइकून है, वो तेरी तरह कच्चे बनियान का धंधा नहीं करते। जो तुरंत खोखा बंद किया और फुदक के आ गए। चलिए ठीक है फिर हम चलते हैं, जब वो आ जाए तो फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। अबे अबे बैठ, फोन करके बता देना। अबे तू कोई बिल गेट्स का फूफा है जो तुझे फोन करके मैं स्पेशली बुलाऊं? अब जब आ ही गया है तो चुपचाप बैठ, मैंने जब तक मेहमान नहीं आते गुलफॉर्म कली का प्रोग्राम सेट किया है। हाँ। गुलफॉर्म कली, चल शुरू हो जा। ये फ्लैश सा कहां से चल रहा था ये? वो क्या है ना, मैंने अपने घर पे डिस्को लाइट्स फिट किए। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। खत्म हो गया? वो जो बिजनेसमैन आने वाले थे वो सब कहां गए? अबे कच्चे बनियान, अभी अभी उनका मैसेज आया था कि वो अपनी अपनी मीटिंग में फंसे हुए हैं। अब तुम जाओ अपने घर। अच्छा ठीक है। ये 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 फिर से फ्लैश हुआ। अब जाके कहीं बिजली चमकी है। अरे हटिए ना। अरे हुजूर, नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर आप कहें तो दो तीन जलवे और दिखा दें। नहीं नहीं, हम जलवे देखने नहीं आए हैं। रुकिए तो। अरे छोड़िए ना, छोड़िए। धन्यवाद। अंगूरी, अरे चाय लेके आओ जल्दी। भभूति जी भी गप्पी है और उनके सारे आवारा दोस्त भी गप्पी है। लीजिए गर्मा गर्म चाय। हाय दया, हमारे चरित्रवान पति इतने गुस्से में काहे लग रहे हैं? अरे वो भभूति जी है ना, और उनका वो फालतू का दोस्त प्रेम चौधरी, उसकी वजह से गुस्से में है। कहा क्या भरभूति जी और प्रेम जी ने? अरे वो प्रेम चौधरी कहने लगा कि हमारे घर में बिजनेस मीटिंग है, सबको आना है। हमने कहा कि चलो हमारे भी कुछ व्यक्तिगत संबंध बन जाएंगे। हम आ गए तो देखा कोई मीटिंग नहीं थी, प्रेम चौधरी अकेला बैठा था, कहने लगा मीटिंग कैंसिल, बैठ। अच्छा हो गया होगा ना कोनो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होता है पगली। असली पकड़े हैं।
इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं लड्डू के भैया? हम ना आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाते हैं अभी। हाँ। पता नहीं ये ससुर टिल्लू का बच्चा कहाँ मर गया। आ गया होगा कमबख्त इतना लेट। इसकी ससुर की आज क्लास लेंगे बड़ी तगड़ी। गुड मॉर्निंग सेठ जी, कैसे हो? कहाँ मर गया था? अरे सेठ जी सॉरी 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 जी, वो क्या है कि बीच सड़क में ना भैंस आगे बैठ गई थी जिसकी वजह से जाम लग गया। देखिए बहाना बहुत पुराना हो गया है, कोई नया बहाना बना। बहुत अच्छे, अगली बार भैंस की जगह बैल को बिठा दूंगा। तू कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा है? तेरे पर कतरने पड़ेंगे बेटे। सेठ जी अगर तुम मेरे पर कतरोगे ना तो मैं तुम्हारे गुर्दे कतर दूंगा। ज्यादा बकवास मत कर। और ले, ले। जे क्या है? ये वो क्लाइंट्स की लिस्ट है जिनसे पैसे लेने हैं। आज की आज सबसे पैसे लेके आ जा। ये क्या तेरे हाथ में? ये तो बताने भूल गया सेठ जी, तुम्हारे दरवाजे पे ना ये कोरियर पड़ा था। बड़ा कड़क कड़क सा लग रही है, कहीं नोट तो ना है सेठ जी? देखूं? नहीं नहीं यहाँ दे। क्या हो गया सेठ जी, ऐसा क्या देख लिया फोटो में जिससे तुम्हारे तोते उड़ गए? हमें भी तो दिखा दो। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, तू जा बेटा, तेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तू जा जा जा। अरे सेठ जी दिखा तो दो, खा थोड़ी जाऊंगा मैं। हमने कहा था तू जा बेटे, जा जा। ठीक है सेठ जी जा रही हूँ, है ना, खोगे पे आ जाइए टाइम से। नहीं नहीं जे क्या चल रहा है सेठ जी? हमारी मासूम भाभी को धोखा दे रहा हो तुम? इस कमबख्त मारी गुलफाम गली के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा, रंगरलियां मना रहा हो तुम? अभी जाके भाभी जी को बताता हूँ। किसी को मत बताना बेटा, अंगूरी को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या है बेटा इसमें, हमारा कोनो कसूर नहीं है, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है समझा कर। ठीक है सेठ जी, तुम इतना कह रहे हो तो नहीं बताऊंगा भाभी जी को। ठीक है, तू मेरा बच्चा है ना? बहुत अच्छे, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। बिल्कुल बेटा, बहुत प्यारा बच्चा है तू मेरा। पापा जी वो ना मुझे 2000 रुपए दे दो, टॉफी खाऊंगा। तू ब्लैकमेल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है ना। ये ले, ये लो। अब क्या करूं सेठ जी, तुम तनख्वाह तो देते ना, पर गरीबों का ऐसी गुजारा चल रहा है। ई रहे गर्मा गर्म समोसे हमारे चरित्रवान पति के लिए। चरित्रवान बोल रहे हैं भाभी जी आपको? भाभी जी नमस्ते। खुश रहिए खुश रहिए। कैसन बा टिल्लू भैया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जी, लेकिन मुझे लग रहा है सेठ जी के गुर्दों में ना दर्द हो रहा है। टेम पे आ जाओ खोगे पे। भाभी जी चलूं? इसे कैसे बताएं कि हम चरित्रवान पर किसी ने बाण चला दिया है। पता नहीं कौन है वो ससुर कमबख्त। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आई आई बैठे ना, बैठे। जी जी। और तिवारी जी कहिए कैसे हैं आप? बस भाभी जी जब तक आपके सानिध्य में हैं, कुशल मंगल हैं। तिवारी जी कभी कभी ना आप इतनी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं कि मेरे तो सर के ऊपर से निकल जाती है। बस भाभी जी जब से आप जैसे संभ्रांत व्यक्तित्व के व्यक्तित्व से मिलते हैं तो जीवा स्वयं ही साहित्यिक भाषा बोलने लगती है।
क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व के सामने चालू भाषा बोलना हम आपका अपमान समझते हैं। किस लिए? क्योंकि भाभी जी ये चालू भाषा जो होती है ना। तिवारी जी मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा ओहो किस लिए आए हैं। क्या बताएं भाभी जी दरअसल हम बहुत दुखी है। अरे तिवारी जी क्या हुआ, कहीं अंगूरी जी से झगड़ा तो नहीं हो गया आपका? अब हम कैसे बताएं भाभी जी को कि हम दुखी हैं? बता देंगे तो भाभी जी हमें घर से बाहर निकाल देंगी। तिवारी जी तिवारी जी आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी दरअसल हमें अम्मा की याद आ रही थी। ओहो अम्मा की याद आ रही है तो फिर उनको फोन लगा लीजिए ना, उनको यहाँ बुला लीजिए। वो कहाँ इतनी दूर हैं? नहीं भाभी जी वो आएंगी तो खाम का तकलीफ देंगी जी। नहीं मतलब उन्हें खाम का तकलीफ होगी। जी आप बिना कमाल हैं, आज सुबह सुबह ही मैं आपका जिक्र विभू से कर रही थी। अच्छा क्या जिक्र कर रही थी भाभी जी? यही कह रही थी कि आप ना मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते, लेकिन जो भी हो आप अच्छे कैरेक्टर के, न किसी पराई औरत का चक्कर, ना कहीं ऐसी वैसी जगह आना जाना, कुल मिलाकर ना आपका चरित्र बड़ा अच्छा है। अरे तिवारी क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं भाभी जी बस आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आंसू छलक पड़े। हेलो। अरे कच्चे बनियान, मैं वही बोल लिया हूँ जिसने तेरी अय्याशी की फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली है। मैंने तेरे को एक फोटो भेजी है जिसमें गुलफाम कली तेरी गोद में बैठी हुई खेल रही है। अभी तक तुझे मिल गई होगी, तूने देख ली। क्या हुआ तिवारी जी, ऑल ओके? वो क्या है ना भाभी जी, एक बहुत ही पुराने दोस्त का फोन आ गया था, कमबख्त ने ऐसा सरप्राइज दिया कि बस हमारी चीखें निकल गई है। ओके अब कच्चे बनियान ये बता तू कहाँ बैठा है इस वक्त, ऐसे बोलियो वरना तेरी फोटो अखबार में छपवा दूंगा। नहीं वो हम तो अपने पड़ोसन भाभी जी है ना उनके सामने बैठे हैं। वो तेरे सामने बैठी है? हाँ हाँ। तो उनके सामने भी चिल्ला चिल्ला के फोन पे बोल आई लव यू डार्लिंग। हाँ हाँ भाभी जी एक गिलास पानी मिलेगा जरा? ऑफ कोर्स अभी लेके आती हूँ। क्या बोल रहे थे आप? अबे बोलना भूतनी के। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। ये नंबर तो तिवारी के अच्छों के पास भी नहीं होगा। अरे कहाँ चले गए? बड़े अजीब आदमी है, टांटो तो रोते हैं, तारीफ करो तो रोते हैं, पानी मंगाते हैं फिर भाग जाते हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, हमरा पति हमरा देवता है, हमरा पति। भाभी जी इतना भी अंधविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। कैसन बाबर भूती जी, मैं तो भाभी जी बहुत अच्छा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, हंसती रहें। हाय दिया, जिस पत्नी का पति लड्डू के भैया जैसा चरित्रवान हो वो पत्नी तो हमेशा ही खुश रहेगी। क्या बात कर रही हैं भाभी जी, आपके पति किस एंगल से चरित्रवान है बताइए जरा मुझे। आप कहना चाहते हैं कि लड्डू के भैया चरित्रवान ना ही है? भाभी जी आप बहुत ही सीधी सादी भोली भाली बौड़म किस्म की हैं, कोई कुछ भी बेचता है आप खरीद लेती हैं। लड्डू के भैया ने कहा कि वो चरित्रवान है तो आपने मान लिया। बरबूति जी वो हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं। यही तो बदनसीबी है मेरी। का बोले भाभी जी, किस एंगल से वो आपको चरित्रवान लगते हैं? वो एक लूज करेक्टर आदमी है। देखिए बरबूति जी आप हमारे लड्डू के भैया का असाल्ट कर रहे हैं। भाभी जी इंसल्ट असली पकड़े हैं, अगर आपने एक शब्द और कहा ना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और भाभी जी अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि आपके लड्डू के भैया चरित्रवान नहीं है तो क्या करेंगे आप?
तो आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। God, I got a D. I got a good D.